वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है सब कुछ? बढ़िया है कि नहीं है? कमेंट टेल मी, क्या सब कुछ बढ़िया है? वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग दोस्तों? क्या हाल चाल है सभी? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, यश भाई आ गए। चलिए तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? जरा कमेंट करके बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। हम सेशन को शुरू करें। इज ऑडियो और वीडियो क्लियर माय फ्रेंड्स? टेल मी, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करें क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भैया बासम, गुड मॉर्निंग बहुत लोग। चलो चलो तो लेट्स बिगिन द क्लास। अनअकैडमी कॉम्बैट जो आप लोगों के बीच है भैया, इसमें कोड जरूर यूज करें AC007। इसको यूज करना ना भूलें, एवरी संडे आता है, बेहतरीन भैया, लाइव टेस्ट होता है, ठीक है, एकदम लाइव। और जाइए उसके लिए अपनी गेट की प्रिपरेशन और सुपर फास्ट एंड फन के साथ बनाइए, ठीक है। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अगर रैंक इतनी है तो कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर फ्री। इसमें 75% ऑफ, इसमें 50%, इसमें 25%। देख लीजिए आप कितनी रैंक लाएंगे, उतनी बढ़िया आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ये प्लस के बैच स्टार्ट हो गए हैं नए, 2 जून से एक और नया बैच स्टार्ट हो गया। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस, तो यूज माई कोड, आई विल गाइड यू, आई विल प्रिपेयर योर टाइम टेबल, योर शेड्यूल, एवरीथिंग, ओके। चलिए लेट्स बिगिन, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ आप जुड़ सकते हैं, दिस इज माय एकेडमी प्रोफाइल, ठीक है, तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास, लेट्स बिगिन द क्लास माय फ्रेंड। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। आपको पता है अल्टरनेट चलता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। आपको पता है अल्टरनेट चलता है, आज हम जीएस पढ़ेंगे, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, मॉर्निंग की क्लास में 6 बजे सोप चल ही रहा है, 8 बजे आपको पता है एप्टीट्यूड। चलिए शुरू करिए क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा रानी जी का बर्थडे है भैया, हैप्पी बर्थडे टू रानी। उम्मीद करते हैं रानी जी जो इसके लिए मेहनत कर रही है, जो डिजर्व करती है, वो जरूर पाए अपने जीवन में, आगे बढ़े, खुश रहें, हेल्दी रहें, यही हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, उनके लिए कामना करते हैं, प्रे करते हैं। चलिए तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। आप टू लॉन्च आयुष क्लिनिकल केस रेस्पिरेटरी पोर्टल एंड थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप टुडे। किसने लॉन्च करा था? कौन है? किरण राजू, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी और श्रीपाद येसु नायक। कम ऑन टेल मी द आंसर, come on tell me the answer, come on tell me the answer। कौन है जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए आंसर भैया। कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए 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 देखते हैं। तो भैया किरण राजू हैं जिन्होंने लॉन्च करा था आयुष क्लिनिकल केस रेस्पिरेटरी पोर्टल, थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप, उसका थर्ड वर्जन था, बोलते हैं अपडेट, है ना, अपडेट जो होते हैं वो आए थे, और वो यूनियन मिनिस्टर हैं, ये भी हम याद रखें तो बेटर है, जिन्होंने आयुष क्लिनिकल केस रेस्पिरेटरी पोर्टल एंड द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप वर्चुअली इवेंट उन्होंने लॉन्च करा था, ओके। कब लॉन्च करा था? 27 मई को, ओके ओके। सो रिमेंबर दिस, ओके।
लिखा हुआ है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज श्रीपद यसो नायक, बट नाउ द एडिशनल चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री वॉज गिवन टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन राजू बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट ऑफ श्रीपद यसो नायक, ही वॉज ऑन रेस्ट। ओके, तो ये है मिनिस्टर ऑफ आयुष के, लेकिन ये हमारे क्या है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किरेन राजू, लेकिन इनको दिया गया चार्ज क्योंकि उनकी क्या हो गया, इनको एक्सीडेंट हो गया था। यस यस, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। चलिए ठीक है, और ये आयुष क्लिनिकल ऐप के बारे में भी अपन ने, आयुष क्लिनिकल रेस्पिरेटरी प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में भी दे दिया कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट बोथ टू आयुष पार्टिसिपेंट्स एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट प्रश्न माय फ्रेंड्स। इधर इंसान समझ आ रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं किसी को, सब हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, क्वेश्चन तो करो। चलिए, रिसेंटली प्रोफेसर जयाशंकर फ्रॉम विच स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन अ मेमोरेंडम विथ मुंबई बेस्ड वाधाई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग, कम ऑन टेल मी द आंसर। दोस्तों कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ये जो सुबह के 20 मिनट होते हैं ना, इसको मैं मत किया करो, ठीक है, डेली, और यहाँ पे सभी लोग जुड़ेंगे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ आपको जुड़ना है, सभी बच्चों को यहाँ जरूर जुड़ना है। ओके, चलिए, ए देखते हैं क्या आंसर सही है, ए और डी में लड़ाई हुई, यहाँ आप अभी भी गलत ही है ना, जहाँ आप गलत ही हैं, तेलंगाना, जयाशंकर जी फ्रॉम तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंक द मेमोरेंडम विथ मुंबई बेस्ड वाधाई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू प्रोवाइड एन AI बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू द फार्मर। ओके, तो तेलंगाना इज करेक्ट आंसर, मतलब ए इज करेक्ट। ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना एंड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इज़ इन पंजाब। तो यार उसने पूछा क्या है, कहां से थे, फ्रॉम तेलंगाना, देखो। ओके, और जो इंस्टीट्यूट की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुंबई है, मुंबई बेस्ड है यार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन कंफर्ड विद स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, किसको दिया गया था, किसको दिया गया था, टेल मी। चलिए देखते, यस एक सही था पिछले का, इसका देखते, इसका भी ए ही दे रहे हो क्या, इसका भी ए ही दे रहे हो क्या, इसका भी सब लोग ए ही दे रहे हैं क्या, पे बढ़े जा रहे बच्चे, मतलब शायद सही है, अमृत सैन इज करेक्ट आंसर, लेट्स सी द आंसर। नोबल लेक्चरर अमृत सैन कंफर्ड विथ स्पेन टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस, काय में मिला है, सोशल साइंस में। ओके, चलिए कौन है ये, इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड नोबल लिटरेचर है, लिटरेचर, ठीक है, चलिए तो सही है, उन्हें अवार्ड दिया गया साइंस कैटेगरी में दिया गया था, ठीक है। ये भी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी सहमति दी है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर गेव हिज असेंट टू द रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, हरियाणा, केरला, उड़ीसा एंड पंजाब, कमॉन टेल मी द आंसर, कमॉन टेल मी द आंसर माय फ्रेंड्स। ये लाइक करते रहो, और ये सेशन डेली होता है सुबह, है ना, 10 बजे, करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट। ए केसरी भाई बोल रहा है, ए डी सी
मनजीत जी भैया शाम को क्लास है ना, रेगुलर है क्लास, याद रखना है चीज। ओके सबको पता ना शाम को 6 बजे की क्लास, तैयार रहना, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यार हिंदी में तो देख लो, हिंदी में तो आ जाएगा समझ में, इसलिए तो हिंदी में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी सहमति दी है? इस संपत्ति का अगर कोई नुकसान कर रहा है तो उसको हम अपने अधिनियम में डाल सकते हैं, आई बस सुन, और उसके लिए सहमति मतलब अप्रूवल दे दिया। ओके चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट नोट टू हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसको प्रॉपर्टी एक्ट में डाला। अब देखिए क्या बोला है, क्या बोला है ये भी देख लेते हैं जिनको समझ नहीं आया। द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट ड्यू टू विच एनी डैमेज डन टू पीपल शॉप वेंडर कार्ड हाउस गवर्नमेंट ऑफिस व्हीकल्स बसेस एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ एनी मूवमेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोटेस्टर। देखो क्या हुआ, ये मूवी देखिए नायक, नायक मूवी देखी है कभी, देखी होगी। उसमें क्या होता है जब वो दंगा हो जाता है जहां पे वो रिपोर्ट करता है अनिल कपूर, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। अब वो रिकवरी किससे करे, तो जितने क्या होता है भीड़ आ गई तो भीड़ में किससे रिकवरी करे, नहीं करते थे और सजा वजा दे के छोड़ देते थे। फिर क्या, अब ये इन्हें बोला है कि भैया हम तो जो प्रोटेस्टर हैं उनसे ही रिकवर करेंगे। आई बात समझो, सर सबका आंसर यही है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया क्या, ईगो हर्ट हो गया, चलो अब अगला नहीं होगा ये। ठीक है देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू विल नाउ एनी डैमेज क्रिएटेड टू द पीपल, कहीं पे भी अगर इन्हें डैमेज करा सच पब्लिक प्रॉपर्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रोटेस्टर। ओके इनसे रिकवर करा जाएगा अगर तुमने ये हरकत दे दी तो। ओके मेरा भी मानना है अगर प्रोटेस्ट करना है तो आसानी से मतलब इजीली करो, मतलब शांतिपूर्वक करो। चलिए ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरियाणा के बारे में, कैपिटल क्या है, गवर्नर है कौन, चीफ मिनिस्टर कौन है, लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, और ये सारी चीजें, और ये नेशनल पार्क भी वहीं पर उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। जल्दी से अगला क्वेश्चन करिए, फटाफट से करिए, फटाफट जल्दी करिए। अहेड ऑफ वर्ल्ड नंबर टोबैको डे द ग्लोबल बर्डन, अच्छा पहले तो ये याद रखिए, पहले तो ये याद रखिए भैया ये कब मनाया जा रहा है, मेरा ये क्वेश्चन डालने का मतलब था ये। ठीक है, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज हैज पब्लिश न्यू स्टडीज, इन दिस स्टडी इंडिया इज ऑन विच अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको स्मोकर। देख मतलब अपने देश पे भरोसा ही नहीं है, अपने देश से सबसे ज्यादा लग रहा है, वोट नहीं हो सकता क्या? शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, सर कल की स्टोरी लाइव मिस कर दी, बड़ा दुख हुआ, रात में ईयरफोन लगा के सुनी, मजा आ गया सर, ऐसा लगा सब काम नहीं चल रहा। चलिए श्रुति जी बोल रही है 31st को ही था, ए और सी में लड़ाई हो रही है, ए और सी में लड़ाई हो रही है, देखते हैं कल ही था। चलिए तो ग्रोथ ऑफ यंग स्मोकर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भैया, स्मोकर्स के बारे में। ग्लोबली द नंबर ऑफ स्मोकर्स हैज इंक्रीज टू 1.1 बिलियन इन 2019 विद टोबैको स्मोकिंग कॉजिंग 7.7 मिलियन डेथ इंक्लूडिंग 1 in 5 डेथ इन मेल वर्ल्ड वाइड, मतलब 5 में से 1 मेल है। अमंग न्यू स्मोकर्स 89% बिकम एडिक्टेड बाय एज 25, भैया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता, आप भी मत करिए। ठीक है यस और नो, अप्रोक्स 2 करोड़ पहुंच गए थे सिर्फ 2019 में, एंड इंडिया हैड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको स्मोकर। क्या लगता है फर्स्ट कौन होगा,
नेक्स्ट स्टोरी तुम लोग फिर चालू हो गए यार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे ज्यादा वोट होंगे वही आएगी। तुम लोग शेयर तो करो यार, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जब मजा आएगा ना। नेक्स्ट वीकेंड तक हमें 1K पहुंचाना है। बताइए भैया क्या लगता है फर्स्ट कौन होगा, क्या लगता है फर्स्ट कौन होगा, कौन होगा फर्स्ट? चलो सेकंड में ही खुश हो गए अपन, देखो सेकंड आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, क्या बोलते हो? चलिए चलिए फर्स्ट कौन होगा। ये सर्वे हुआ चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, रशिया, ये कौन है जरा कमेंट करके बताओ। जापान, टर्की, वियतनाम, फिलीपींस, ये कौन सी कंट्री का है बताओ जरा, ये कौन सी कंट्री का है? टेल मी भैया, टेल मी। बहुत बढ़िया, एकदम तुक्का सही लगा इनका, चाइना इज करेक्ट। ओके ओके, चलिए यस। अच्छा एक और आपके साथ, नहीं यार दीपक देखो थोड़ा सा सेंस लगाना चाहिए, उनकी इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, उनकी इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो सेकंड फर्स्ट आ पाए, समझ रहे हो? जितने अपने यहाँ पी रहे हैं उससे ज्यादा, उससे तो शायद उनकी पॉपुलेशन उसके आसपास, बहुत कम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो वो नहीं हो सकता, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा वही हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो इस चीज को समझिए, इसलिए जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वही ये काम कर सकते हैं। ठीक है चलो, और किस किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं देख लो, ये लिखा हुआ है। चलो 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, निषेध दिवस, तंबाकू दिवस नहीं मतलब निषेध दिवस के उत्सव से ठीक पहले ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज सहयोग ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या पर अध्ययन प्रकाशित किया। चल दुनिया भर में हर साल 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है, ये लोगों के तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों, तंबाकू कंपनियों की व्यवसाय प्रथाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चल अगला प्रश्न करता हूं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं, बहुत सर्वे बनना पड़ेगा उसके बारे में, मुझे पढ़ूंगा लाऊंगा, मैं कमेंट चेक करूंगा 4-5 दिन बाद, किस पे ज्यादा है उसी पे बनाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न करिए भाई, Who among the following has been awarded the India Biodiversity Award 2021? किसको दिया गया? किसको दिया गया award? Tell me. Answer नहीं आया अभी तक? आप कुछ भी फिर से देखते हैं सही है कि नहीं। बाकी लोगों के आंसर क्या है? ACEEE, देखते हैं भैया क्या आंसर है इसका। ई इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ताजी NM फॉन्डली कॉल्ड एज तुबेर मैन ऑफ केरला हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडायवर्सिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप आगे भी सुनेंगे। This is important, my friends. 2021 in the individual category of conservation of domesticated species. This is important, भैया इनका नाम आप आगे भी सुनेंगे, ठीक है? तो remember इनको, Huberman के नाम से इनको जाना जाता है। She is not correct, मुस्कान जी, okay? Remember. चलिए अगला question करते हैं। In India, Commonwealth Day is celebrated on, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये दिन? टेल मी भैया,
बताइए कब मनाया जाता है ये? टेल मी, 24 बोल रहे हैं रागनी जी, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा रागनी जी के ऊपर एक और कमेंट है, मुस्कान जी का शायद पिछले का था, बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सही है। सी और बी में लड़ाई हो रही है, बी जीत गया। कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड मंडे इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। सेकेंड मंथ ऑफ, सेकेंड मंडे ऑफ मार्च मंथ, मार्च मंथ का सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। हाउएवर इन इंडिया अनदर कॉमनवेल्थ डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च। व्हाट इज द थीम फॉर कॉमनवेल्थ डे 2021 के लिए क्या थीम थी कॉमनवेल्थ की? कॉमनवेल्थ का काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई ये पहले भी। तो आंसर बताइए इसका, पहले भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमनवेल्थ पे, तो हमें इसका आंसर भी पता होना चाहिए कि इसकी थीम क्या है। चल तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। And this is connected commonwealth towards a common future, peace building commonwealth, delivery a common future, a young commonwealth. जरूर आपने इसके बारे में सुना होगा, okay? And delivering a common future, important, okay? 2021 में दे रहे हैं delivering a common future. चल, recently which high court has criticized state government for neglecting and forcing families of Van Gujar's nomadic tribe. This is one of the tribe. कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा, what is the tribe? बहुत बढ़िया यश भाई, याद था। अच्छा सुन लो, याद है कल हम tribe की बात कर रहे थे, तो रीति रिवाज जो होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वन गुर्जरों के खानाबदोश जनजाति के परिवारों की उपेक्षा और मजबूर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस ट्राइब को भी थोड़ा सा जान लीजिए, अभी कहीं पूछ ले तो ओके। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड वन। चलिए तो आपको ढूंढ ढूंढ के हम करंट अफेयर ला रहे हैं, और आसपास का मैं आपको जनरल स्टडीज भी बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी ये आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। चलिए टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड, एवरी वन शुड गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड, केरला, उड़ीसा, पंजाब, उड़ीसा पंजाब, टेल मी द आंसर। उत्तराखंड शायद, केरल बोल रहे हैं पता ही नहीं है, बताओ। ए सी में लड़ाई हो रही है, लेट्स सी द आंसर। उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लेम्स गवर्नमेंट ओवर लिविंग कंडीशन ऑफ वैन गुर्जर, ठीक है ठीक है। उत्तराखंड है, अब मैं जरा इसके बारे में बता दूं। रिसेंटली उत्तरा हाई कोर्ट है क्रिटिसाइज स्टेट गवर्नमेंट फॉर निगलेक्टिंग एंड फोर्सिंग फैमिलीज ऑफ वैन गुर्जर नोमेडिक ट्राइब टू सर्वाइव इन कंडीशन बिलो एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब कोर्ट ने ऑर्डर करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, प्रोवाइड देम अकोमोडेशन, फूड, वाटर एंड मेडिसिन। प्रोवाइड करो भैया, तुम लोग तो बड़ा खतरनाक हो। और इट ऑल्सो ऑर्डर टू गेट देयर COVID-19 टेस्टिंग डन बिफोर दी एंटर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इन उत्तरकाशी, ओके। चलो ये है क्या, इसके बारे में जरा देख लेते हैं दो मिनट में। वैन गुर्जर्स आर नोमेडिक ट्राइब्स इनहेबिटिंग इन फूट हिल्स ऑफ हिमालयस एंड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। दे आर बफेलो, आपको पता है बफेलो मतलब क्या होता है, हर्ड, ओके। दे आर among the tribes who are living or have lived in deep dependence on wild habitat, okay? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया, जरूरी रहता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। Which Indian Institute of Technology IIT has developed a smart window material? This is again good question. Which can automatically control climate of building? इसके मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा, जरा इसको सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है मतलब आंसर बताइए, और जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक करिए भैया फटाफट। अच्छा
आईआईटी गुवाहाटी बोल रहे हैं दोस्त हमारे। आईआईटी गुवाहाटी बोल रहे हैं माय फ्रेंड्स। ए स्मार्ट विंडो मटेरियल फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग डेवलप। देखो जो रेलवे कोच के लिए होते हैं ये इस तरीके के आपने एयरप्लेन में भी देखा होगा, है ना? ठीक है। अब और ये क्या करते हैं हमारे सनलाइट को इस तरीके से क्या करते हैं फोटो थर्मेटिक सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं। यस यस देखिए और ये क्या कर रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये विंडोज की मैं फोटो भी लाया था, कहाँ गया फोटो नहीं दिख रही यार कहाँ गया। ये समझ गया। ये सब एक स्पेसिफिक डिजाइन होती है किसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। यस यस करेक्ट आंसर। ओके तो दिस इज दी वेरी गुड। इसके बारे में जरा पढ़ना है हमें डिटेल में, किसी दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर नहीं, ये तो कन्वेंशन है इसके ऊपर। ओके ओके यस और नो बोलो भैया, यस और नो। चल आगे बढ़ना। रिसेंटली ब्रीथ Applied Science startup has received the National Award 2021 from the Technology Development Board. Where is the startup situated? मतलब जो startup शुरू किया गया वो कहाँ किया? अरे यार D option छुप गया। चलो इसमें से एक आंसर ये भी बता देता हूँ। इसका ये नहीं आएगा पक्की बात। Come on, tell me the answer of this question. ए बोल रहे हैं फिर से यार, तुम लोग अब टुक्की मार रहे हो क्या ये, है ना? एंड अगेन इज करेक्ट। अरे क्या हो रहा है? ओके बट हम याद रखना है बेंगलोर स्टार्टअप विंस टीडीबी नेशनल अवार्ड 2021। ओके आज बड़े ही आगे मुझे ध्यान रखना चाहिए था। ओके बड़े टुक्की मार मार के सही कर रहे हो तुम्हें। ओके तो बेंगलोर जीता है। अगला करते हैं हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन रडॉफ सिलेंडर अवार्ड। रडॉफ सिलेंडर अवार्ड किसको मिला है? वो भारतीय कौन है? पहले भारतीय है भैया, फर्स्ट इंडियन कौन है? यस ने एक ही लाइन में दो अलग अलग कमेंट करे, बोल रहे मोस्टली, बोल रहे सबका आंसर ए है फिर बोल रहे मोस्टली, या तो मोस्टली बोलो या सबका बोलो है। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। ये तुम लोग अभी अब तो ये गलत है। ये इसका तो ये हो ही नहीं सकता, इसका ये हो ही नहीं सकता। देखते देखते पहला भारतीय जिन्होंने अवार्ड जीता एंड वो है AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डी नागेश्वर रेड्डी। बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन रेड ऑफ सिलेंडर अवार्ड। ठीक है ये अंकल थे जो जीते थे। ये अंकल अंकल की मुंह से बढ़िया है की चलो। ओके पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो AIG अस्पताल के अध्यक्ष भी, अमेरिकन सोसाइटी में इन्होंने रडोल बी सेंडलर पुरस्कार भी जीता है। ओके चलिए अब बताओ बेटा आंसर। बहुत होशियार बन रहे थे, कम ऑन टेल मी द आंसर। चलिए लास्ट दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, बस जल्दी जल्दी करो। Who become the first and only woman in the IAF qualified for the role as a flight test engineer? इनको जानते होंगे आप, इनको मैं नहीं जानता, मतलब उस शक्ल से इनको नहीं जानता, इनको जानता। Come on, tell me. माधु दीक्षित नहीं, तो माधु दीक्षित समझ लो, माधु दास है वो।
इसका आंसर बताओ, बहुत ए कर रहे थे, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बोलो। इसका आंसर बी बोल रहे हैं, ये बी है। चलिए, और इसका आंसर है अश्विता वी ओसले इज इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाई टेस्ट इंजीनियर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ए कर लिया तुम लोगों ने, और इसका आंसर है, इसका आंसर है, रिमेंबर दिस। कहां गए ए वाले बक्के? इसका नहीं पता था, ओके कोई बात नहीं, ओके। इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाई टेस्ट इंजीनियर। चलो, भारत की पहली महिला, ये बड़ा अच्छा लगता मुझे, स्क्वाडन लीडर, सुना है कि नहीं? स्क्वाडन लीडर क्या नाम था शाहरुख खान का उसमें, समर प्रताप सिंह, याद है? तो वही है इस बार, अश्विता वी ओलटे इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इन द आईएएफ क्वालिफाइड फॉर द रोल एंड एज अ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। एकमात्र महिला, एकमात्र महिला। चल, रिसेंटली एचएस डोरस्वामी पास्ड अवे एट 102, 102 साल की उम्र में डेथ हो गई है, तो वो क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, वीर प्रताप सिंह था एक, अरे उसमें समर भी तो था, ये वो एक में वीर था एक में समर भी तो था यार, वो जब तक है जान में समर था और वीर जा रहा में वीर था शायद, है ना? तो बोल रहे हैं स्क्वाडन लीडर तो वीर प्रताप ही था, वो तो उसमें वो था मेजर समर प्रताप था। चलो, इसका आंसर ए बोल रहे हैं दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी एंड ही इज करेक्ट, अ फाइटर टिल द एंड ऐसा लिखा हुआ था, और ये वो थे 19 कोविड-19 से, इन्होंने क्या करा था, बेंगलोर में हुआ था, और इनने एक जगह भारत छोड़ो आंदोलन ये बताना चाह रहा था, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था, ओके। तो ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए, एक और क्वेश्चन करता, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज ऑल सेट टू लॉन्च हर ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो 14 जून, किसने करी है? नीना गुप्ता, जया बच्चन, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अरे भूल गया था यार भाई, यार मत करो यार, चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका फटाफट से भैया, आंसर बताओ जल्दी से। नीना गुप्ता कौन होता है? नीना गुप्ता होगा ना, नीना गुप्ता इज करेक्ट आंसर। नीना गुप्ता अनाउंस ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो मर जाऊं, है ना? तो इन्होंने अपनी रखा है ऑटोबायोग्राफी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अंकुर स्कीम अंडर विच सिटीजन्स विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग ट्री, मतलब ट्री उगाएंगे प्लांट करेंगे तो उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, तो कौन है इसका आंसर? आज गजब बेइज्जती हो गई है, ज्यादातर आंसर ए निकले। बताओ, इनके फोन को भी नींद आ रही है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं, ए इसका भी ए ही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश, आमची मध्य प्रदेश, देखते हैं सही है कि नहीं है, एमपी, एंड यस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए,
तो इसी के साथ आज की हम सेशन को समाप्त ले जाते हैं। आज मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर ये है, उस चक्कर में तुमको थोड़ी सी आसानी हो गई, मोस्टली सभी नहीं, मोस्टली कुछ बी भी थे, कुछ ई भी थे, ऐसा नहीं है। चलिए टुडे इज ऑप्शन ए डे, ओके ऐसा नहीं है, देखो इसका भी इसका ई, तो ऐसा तुम लोग अफवाह मत, इसका भी बी है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय करा होगा, शाम को आपसे मुलाकात होगी, शाम को मिलेंगे 6 बजे। पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा जो नहीं जुड़े, ठीक है। तब तक के लिए मेरा होम टाउन, बिल्कुल मेरा होम टाउन एमपी में है दमोह। चलिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा जो नहीं जुड़े हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए और मस्त तरीके से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, फिर मैं जाऊँ। लाइक करो सेशन को जिन्होंने अभी तक नहीं करा। और हाँ, आप लोगों की डिमांड पे इस वीक के लास्ट तक हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रॉपर तरीके से पढ़ना चालू कर देंगे, ओके। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ओके, और मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। चलो बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।